जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप लोगों को बता रहे हैं, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम जनरल मैनेजर का दौरा होने जा रहा है, जिसमें नैनपुर जंक्शन रेलवे स्टेशन व चिरेडोंगरी रेलवे स्टेशन का महत्वपूर्ण इंस्पेक्शन किया जाएगा। चलिए आप लोगों को बताते हैं पूरी खबर, लेकिन उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के जीएम जनरल मैनेजर श्री अलोक कुमार जी का दौरा होने जा रहा है। इसका टूर प्रोग्राम भी कल 17 जनवरी को जारी हो चुका है। देखिए जीएम कल 17 जनवरी को ट्रेन नंबर 18239 कोरबा इतवारी शिवनाथ एक्सप्रेस से बिलासपुर से रात 8:45 पर रवाना हुए और 18 जनवरी की सुबह 4:30 पर इतवारी पहुंचे, जहां 19 जनवरी को नागपुर रेलवे स्टेशन का इंस्पेक्शन किया जाएगा और माननीय सांसद महोदय जी से मीटिंग भी की जाएगी। और इसके बाद जीएम नैनपुर के लिए और नैनपुर से चिरेडोंगरी के लिए रवाना होंगे, जहां नैनपुर और चिरेडोंगरी और उसके आसपास का इंस्पेक्शन किया जाएगा। उसके बाद जीएम 20 जनवरी को इतवारी से चलकर 21 जनवरी को बिलासपुर पहुंचेंगे। इस दौरान वर्तमान में रायपुर एरिया में जो डबलिंग का काम चल रहा है उसका इंस्पेक्शन किया जाएगा। जीएम का टूर प्रोग्राम आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों इस प्रकार जीएम एसीसीआर का इंस्पेक्शन टूर होने वाला है। दोस्तों इसके साथ ही आप लोगों को बता दें, हर साल जोन के जीएम का एनुअल इंस्पेक्शन हुआ करता था, यानी कि जीएम का वार्षिक निरीक्षण हुआ करता था, अब उस पर पूरी तरह से रेलवे बोर्ड ने रोक लगा दी है। जी हां दोस्तों, जोन के महाप्रबंधक अब अपने मंडल के क्षेत्राधिकार में वार्षिक निरीक्षण नहीं कर सकेंगे। रेलवे बोर्ड ने पुरानी चली आ रही परंपरा को समाप्त कर नया आदेश जारी किया है। अमूमन यह होता है कि जोन के महाप्रबंधक अपने जोन में आने वाले मंडल में वार्षिक निरीक्षण करते हैं। मुख्यालय के सभी अधिकारी विशेष ट्रेन से मंडल में पहुंचते हैं और एक मंडल के अधिकारी के साथ एक रेलखंड का निरीक्षण करते हैं। यह व्यवस्था पिछले लंबे समय से चली आ रही थी, लेकिन रेलवे बोर्ड रेल मंत्री श्री अश्विनी वैष्णव जी के निर्देश पर अपने वर्क कल्चर पुरानी व्यवस्था को बदलने में लगा हुआ है। इसी के तहत रेलवे बोर्ड ने यह आदेश जारी किया है। इसी को लेकर रेलवे बोर्ड के निर्देशक ने यह फैसला सीआरबी और सीईओ के अनुमोदन के बाद इस फैसले को जारी किया है। लेटर आप वीडियो में देख सकते हैं। दोस्तों चलिए फिलहाल आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किस नए वीडियो में किस रेडियो पैक के साथ। वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कीजिएगा, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और इसके साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को पहली बार देख रहे हो तो अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।